पूरा पश्चिम बंगाल ये चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। और आज अगर पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव हो जाते हैं तो आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव बहुत दूसरे तरह के यहाँ पर चुनाव सामने आएंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में सोचा नहीं था और लेकिन जनता ने मन बना लिया था और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यहाँ से जिताकर भेजा, विधानसभा चुनाव में भी मतलब सत्ता पक्ष कुछ भी बात करें लेकिन सिर्फ 3 विधायक थे हमारे, वो 3 विधायक से 77 विधायक पर पहुंचना ये यहाँ एक और उनके लिए एक खतरे का संकेत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये एक बहुत मजबूत जनाधार है। प्रदेश की जनता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आई है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रबल बहुमत के साथ में सरकार बनाकर आगे आएगी।